इसके अंदर मिलाया है, क्या मिलाया है बाद में बताऊँ। हाँ सर, शाम शाम को नहीं, जब ये साफ होएगी तो देखो बताऊँगा, नहीं तो बताऊँगा क्या फ्रॉड है इसके अंदर, क्या सच है। ठीक है, ये आ गया, देख लो जी, मैं DLF टावर के सामने। गुड मॉर्निंग सभी को, आ गया मैं आपके साथ एक और न्यूज फ्लोट लेके। बाहर में एंटर फट रहा है इसलिए मशीन का शोर हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा है फिर। ठीक है जी, अब चलते हैं सीधा नहाने। तो भाई मैं नहा धो के हो गया हूँ, तो यार मुझे जाना सबसे पहले आज मंदिर, मैंने मंदिर बीच में जाना बंद कर दिया था, तो आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मंडे जो मैं जाता था पहले, तो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो नीचे चलते हैं, फिर मंदिर चलता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ, उसके बाद कुछ खाता हूँ। ठीक है, कपड़े धोने यहाँ पे, इनको इग्नोर करो गाइस। तो चलो अंदर, मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया, लैंडर पड़ रहा है पीछे तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ठीक है जी, तो मैं मंदिर से होकर अब आ गया हूँ, देख लो जी, मैं जा रहा हूँ सीधा घर, मटक मटक के वो भी देखो पतली सी गली में, अब यहाँ से मुड़ते ही आ जाऊँगा मैं घर के साथ। ये आ गया ये देखो, ये बाइक सर्विस मैंने करवाई थी, इतनी चमक दमक का खड़ी है, सीट गंदी हो रही है पर फिर भी कपड़ा मारना पड़ेगा इस पर, और इसके पीछे के टायर में हवा कम है तो टायर में हवा भी भरवानी है भाई आज। तो भाई मैं और मम्मी अपनी ले चाहे यहाँ पे चला था, मैं था पीछे लैंडर पड़ रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पा रहा घर का, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। अभी मैंने दो तीन गेट बंद करे जब इतनी आवाज़ कम हो रही है। ठीक है, तो जब मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ आपसे, है मुझे ना पता, थोड़ी देर बाद में बात करूँगा आपसे। ठीक है, मैं पहले चाय पी लेता हूँ जी। मैं छत पर आ गया हूँ, देखो क्या जोर की धूप निकल रही है, दिख रही हो तो। हाँ मैं भी छत पर क्यों आया हूँ धूप में बताऊँ, एक वीडियो अपलोड करने के लिए आया हूँ मैं अपने फेसबुक पेज पे। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ कहाँ हो रहा था ये पीछे देखो मेरे, ये बन रही ना बिल्डिंग, यहाँ लैंटर गिराया तो इसलिए सुबह से शोर था, कुछ बना नहीं पाया मैं, तो वीडियो के डाल लेता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं आपसे। ओके, मुझे जाना है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में क्या लेने जा रहा हूँ मैं, कास्टिंग सोडा लेके आना है, कास्टिंग सोडा लेके आना है, और मुझे क्या लाना, दवाई लानी है, चलते हैं बाद में बात करते हैं रास्ते में। ये आ गया देख लो जी, मैं DLF टावर के सामने, पेट्रोल पंप है, हवा भरवाना, मतलब हवा भरवा लूँ, उसके बाद यहाँ से चलता हूँ, उसके बाद सामान लेता हूँ, दवाई वगैरह। ठीक है, बाइक के अंदर हवा नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये लोग ऊपर क्या कर रहे हैं, अरे क्या कर रहा है ढोलू। तो चलो भाई मैं घर आ गया, ओह माय गॉड, दवाई लेना भूल गया, लेकिन मैं तो आ बेटू आ रहा हूँ, सोडा लेके आ गया आज, आज इन चिवली के उसको साफ करके ही मानेंगे, मैं ले आया सोडा। ठीक है, कैसा दिया मुझे चोरी से। देखो ये रहा, देखो है ना, 40 रुपये का दिया है, कत एक साल आया हूँ। ठीक है, तो चलो इन्हें साफ करते हैं, उसके बाद 40 रुपये का मैं क्या करूँ भाई। ठीक है, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो जी हमारी चिवनी की प्लेट का हाल देख लो अभी, ये मैंने ये क्या करा है बताऊंगा, अगर ये साफ होती है तो मैं रिजल्ट दूंगा, अभी रुक जाऊंगी मां, अगर ये साफ होती है तो मैं बताऊंगा मेरे कैसे क्या मिला है, नहीं होगी तो ये फेल है, मैं बताऊंगा कि हाँ मिलाया तुमने। ठीक है, तो चलो मिला दो, तो मैंने पानी के अंदर ये प्लेट डाल दी है। ठीक है, आप इसे देखते हैं, मैंने इसके अंदर मिलाया है, क्या मिलाया है बाद में बताऊँ। हाँ सर, शाम को नहीं, जब ये साफ होएगी तो देखो बताऊँगा, नहीं तो बताऊँगा क्या फ्रॉड है इसके अंदर, क्या सच है। ठीक है, ये देख लो जी, ये हमने साफ करी थी शिवनी, साफ नहीं हुई है, मुझे लगता है उसने जब कलर करने वाला उसने मेरे ही पागल बना दिया, उसने कास्टिंग सोडा के बदले कुछ और दे दिया, या फिर क्या पता कास्टिंग सोडा से साफ होती ना हो, ये भी तो हो सकता है एक रीज़न। तो भाई मेरी तरफ से भी फेल है, एक बार मैं एक दो चीज़ और ला के ट्राई करूँगा। ठीक है मामा, बोल। ठीक है, तो भाई चलो बाद में मिलते हैं, थोड़ी देर में मैं सो गया था सीधा, 4-5 घंटे बाद निकाला है हमने उसमें से। लो जी मैं चाय बना रहा हूँ, अब चाय पीऊँगा इसको, जब बनाऊँगा उसके बाद इसको पीऊँगा, और मैंने कर दी। ठीक है, तो देखो चाय भी कैसे कैसे बनाता हूँ मैं, डेली लाइफ लोग ना, तो डेली की चीज़ अच्छी दिखाऊंगा, चाय बनवाते हैं घर में सब मेरे से देख लो। ठीक है, फिर कुछ नहीं करता तो चाय बनवाते हैं। मैं जी चाय बनने वाली है बस, मम्मी ने कही थी 2 मिनट में मेरा काम हो जाएगा, पर देखो अभी मम्मी की पूजा चालू है, 2 मिनट से ऊपर हो गए, पूरे 10-15 मिनट हो गए। ठीक है, ये देखो शिमला गाजर,
और आलू और अभी तो और भी सामान काट रहा मुझे बाकी है। मैं चावल फ्राई करके बना रहा हूँ, फ्राइड राइस ओके वो दिखाऊंगा, कोशिश करता हूँ बहुत टॉप बनाने की, ठीक है जी। तो बनाता हूँ उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो मेरी ये मेरा चावल फ्राई कर रहा हूँ, देख लो मेरी इसमें मिक्स वेज सब्जी जो है वो हो रही है, होने दो ओके ब्रो। सब्जी हो रही है, चावल फ्राई कर लो, चावल फ्राई, चावल फ्राई, चावल फ्राई ओके, चावल फ्राई। ये देखो जी मैं खाना ले आया ऊपर, ये आलू की सब्जी, ये भी दिन की आलू की सब्जी है, सफ़ेद चावल, और जो मैंने बनाए हैं अभी ये तो रोटियाँ दिख रही हैं सबको। चापे ये चावल दिखाता हूँ, ये वाले ये देखो जी ये मैंने बनाए हैं, बताना देखने में कैसे लग रहे हैं चावल, ठीक है। और एक सेकंड रुको तो इसे मैं टेस्ट करके बताऊँ, और यार चमची तो मिलाया नहीं, क्या करूँगा अब, कोई नहीं खैर एक सेकंड ऐसे खा के बताता हूँ आपसे। चावल बढ़िया, चावल में नमक कम है बस, ये जो फ्राई करी है मैंने वो लिया नाश नाश नहीं कर, बढ़िया नमक कम खाना चाहिए, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो भाई इस ब्लॉग को मैं यही एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना, वीडियो के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, उससे क्या होगा जो भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलो गुड नाइट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।